हाय एवरीवन सो हमारा आज का टॉपिक है कॉर्नो इस, स्पायरल ये जो कॉर्नो स्पायरल है आ, दिस इज आल्सो ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेंसिटी ड्यू टू अव फ्रंट सो हमारे पास यहाँ पे एक आ, सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है और उससे हमारे पास एक स्फेरिक वेव फ्रंट जनरेट होता है ओके okay, सो so यहाँ पर जो हम वेव फ्रंट ले रहे हैं मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में ही कि वेव फ्रंट हमारे पास तीन टाइप के होते हैं प्लेन वेव फ्रंट स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट सो so यहाँ पर जो हम लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ठीक है बेलना काटा अगर सो डब्ल्यू ओ डब्ल्यू प्राइम क्योंकि हमें पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी तो मैंने आपको बताया है कि जिस भी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है उससे आप स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए जो कि सोर्स तक जाएगी और वो उस वेव फ्रंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और जहां पर वो वेव फ्रंट को काटेगी उसे हम पोल कहते हैं सो इन दिस डायग्राम हमारे पास इन दिस केस विच इज द पोल पोल हमारे पास ओ पॉइंट पे है सोर्स से हमारे वेव फ्रंट मतलब पोल की डिस्टेंस हमने ए लिया है और वे फ्रंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस हमने बी लिया है और यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू ओ डब्ल्यू प्राइम जो है एज यू कैन सी इस पर्टिकुलर uh, सिचुएशन में क्योंकि हमने डब्ल्यू ओ डब्ल्यू प्राइम को इस तरह से बनाया है सोर्स हमारा इसके सेंटर पे रखा हुआ है सो तो अगर आप यहाँ से डिस्टेंस लें चाहे यहाँ से डिस्टेंस ले वी विल हैव द सेम थिंग सेम डिस्टेंस तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो सिमेट्री से ये डिस्टेंस भी कितनी होगी ए होगी हमारे पास हम क्या कर रहे हैं कि एक रे है जो हमारे पास सोर्स से सीधी ओ पे गई और ओ से सीधी P पे चली गई तो उसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो कौन सा है SOP दूसरी जो वेव है वो हमने यहाँ पे S से वेव फ्रंट के किसी पॉइंट M पे लिया है तो वो S से M पे चली गई और M से P पे गई तो उसका जो पाथ ट्रेवल है वो कितना हो जाएगा SMP इन दोनों के अंदर जो पाथ में डिफरेंस है वो कितना होगा देखो एस से लेके एम तक की डिस्टेंस और एस से लेके ओ तक की डिस्टेंस वो तो दोनों वेव ने सेम ट्रेवल कर ली है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा हमारे पास सपोज वो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा MP OP क्योंकि नीचे वाली रे ने OP डिस्टेंस ट्रैवल करी है और जो M से आ रही है उसने MP सो दिस वी हैव टू कैलकुलेट अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मेथड है कोनो स्पाइरल ये भी फ्रेनल ने ही दिया था तो फ्रेनल ने इस बेसिकली इस टॉपिक का आ, मोटिव क्या है उद्देश्य क्या था आ, किसी पॉइंट पर अः वेव फ्रंट की वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए फ्रेनेल ने एक मेथड दिया था जिसे हम फ्रेनेल के हाफ पीरियड ज़ोन्स का मेथड कहते हैं सेम चीज करनी है लेकिन किसी दूसरे मेथड से और वो मेथड जो है वो काफी मैथमेटिकल है मतलब मैथमेटिक्स यूज करके भी हम पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं और ये जो मैथमेटिकल मेथड है इसे हम कौन का स्पाइरल मेथड कहते हैं ये नाम इसका क्यों रखा गया है ये टॉपिक के एंड में समझ में आएगा अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये एक तो ये है इंटीग्रेशन मेथड समाकल विधि क्योंकि इसके अंदर हमें जो फॉर्मूले मिलेंगे वो उसमें इंटीग्रेशन वर्ड तो उसमें इंटीग्रेशन होंगे ठीक है तो इंटीग्रेशन मेथड होगा दूसरी चीज ये कि ये वाला मेथड भी किसने दिया था फ्रेनेल ने ही दिया था ओके okay, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं ओ से लेके एम तक की डिस्टेंस हमने जो लिया है वो कितना लिया है एल है और ये बिल्कुल कर्वेचर वाली लेंथ है स्ट्रेट लेंथ नहीं है कर्व ही बताया है मैंने यहाँ पे ओ से लेके एम तक का जो आर्क है है ना चाप जिसको बोलते हैं उसकी लेंथ हम कितनी लेके चल रहे हैं एल लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें बिकॉज पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम पूरी मैथमेटिक्स ही यहाँ पे यूज करेंगे तो एम पी जो आ, ये जो एम से लेके पी तक की डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करने के लिए हम वेक्टरलो लगाएंगे सो वेक्टरलो का मतलब है कि अगर आपके पास एक वैक्टर ऐसे है और एक वैक्टर ऐसे है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है मान लीजिए दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई तो हम हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ये होगा और वो जो रेजल्टेंट है यहाँ पे इस केस में हमारे पास MP ये है तो एम पी को आप क्या लिख सकते हैं ये हम वेक्टर लो के अंदर पढ़ते हैं ट्राइंगल में वैक्टरलो लगाया यहाँ पे भी हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं एस एम पी ले रहे हैं उसमें सेम कंसेप्ट लगाओ सो ये आपके पास है ए और एस मतलब इसके अंदर ट्राइंगल में अगर मुझे एम पी की वैल्यू निकालनी है तो वो रूट ऑफ कितना हो जाएगा पहला वेक्टर मेरा हो जाएगा एस एम दूसरा वेक्टर हो जाएगा आपका एस पी माइनस टू एस एम एस पी थीटा थीटा मैंने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया हुआ है सो so, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एम पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है रूट ऑफ एस एम देखो एस से लेके एम तक की अभी बताया ए स्क्वायर और एसपी एस पी जो डिस्टेंस है दैट इज ए प्लस बी तो ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर टू ए ए प्लस बी एंड ये आ जाएगा आपके पास थीटा ओके ये हमारे पास आ जाता है एम पी की वैल्यू अगर मान लीजिए थीटा जो है इज वेरी स्मॉल है ना बहुत छोटा अगर हम थीटा ले लेते हैं तो उस कंडीशन में कॉस थीटा का एक्सपांशन यूज किया जा सकता है जिस तरह से आपने देखा होगा साइन एक्स का एक्सपांशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस एक्सपॉर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव एंड उसी तरह से कॉस एक्स का एक्सपांशन होता है ई रेस टू पावर एक्स का एक्सपांशन होता है ये तब यूज करते हैं जब ये एक्स की वैल्यू काफी छोटी होती है या एंगल काफी छोटा होता है सो so अगर हमारे पास एंगल काफी छोटा है तो हम कॉस थीटा का एक्सपांशन यूज करेंगे और उस एक्सपांशन के फर्स्ट दो टर्म होते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल तो इस कंडीशन में वो कितना आ जाएगा टू आगे थीटा के पावर फोर आएगी उन सबको हम अवॉइड कर सकते हैं तो सिर्फ हम इतना सा पार्ट लेके चलेंगे और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए स्कवायर प्लस टू ए बी प्लस बी थीटा की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस थीटा स्क्वायर बाय टू इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे आप और रीअरेंज करेंगे विच आई एम लिविंग अप टू यू हमें यहाँ पे मिलेगा ये रूट जो है मैं इसको पूरे की पावर वन बाई टू कर दूंगी सो वी विल गेट बी स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी है और इसकी पावर आ जाएगी one minus two, one by two. बाकी सब आपके पास आउट हो जाएगा दोनों में से अगर हम बी कॉमन ले लेते हैं तो बी स्क्वायर का वन बाय टू होके बाहर आएगा तो वो बी ही बचेगा सो वन प्लस ए ए प्लस बी थीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर से ही होगा मान लीजिए हमारे पास ये जो बी है इसकी वैल्यू मतलब आ, ए और बी हम ऐसे चूज करें कि ये ऊपर वाला टर्म काफी छोटा हो जाए और नीचे वाला टर्म काफी बड़ा रह जाए तो उस कंडीशन में हम बाइनोमियर एक्सपांशन यूज करेंगे और बायनोमियर मैंने बहुत बार बताया है कि वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन के फर्स्ट दो टर्म आपके पास होते हैं वन प्लस एन एक्स तो हम यहाँ पर भी वही यूज करेंगे तो बी आपके पास बाहर आ जाएगा वन प्लस एन एन आपके पास क्या है वन बाई टू है और एक्स आपके पास एज इट इज जो सेकेंड टर्म आपने लिया है ओके okay, सो so ये आपके पास हो जाएगा बी को अंदर ले जाओ सो बी प्लस ए ए प्लस बी थीटा टू बी आपको मिला है क्या मिला है एम पी पाथ डिफरेंस हमें क्या कैलकुलेट करना था पाथ डिफरेंस को सपोज हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास था एम पी माइनस ओपी डायग्राम में आप देख लीजिए ओपी की वैल्यू कितनी है डायग्राम में ओ से लेके पी तक की वैल्यू है बी तो माइनस कर देते हैं बी को सो so, हमारे पास आ जाएगा बी प्लस ए ए प्लस बी थीटा स्क्वायर अपॉन टू बी माइनस बी तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाता है पाथ डिफरेंस हमें मिलता है ए ए प्लस बी थीटा स्क्वायर अपॉन टू बी ये हमारे पास यहाँ पर पाथ डिफरेंस आ जाता है अब फ्रेनेल का कुछ अजम्पशन था फ्रेनेल ने ये कहा था कि ये जो आपने वेव फ्रंट लिया है इस बार आप पी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको हाफ पीरियड जोन में डिवाइड नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पर जो है ये वेव फ्रंट है इसको लेंथ छोटे छोटे लेंथ uh, के एलिमेंट लेंगे लंबाई के अल्पांश लेंगे छोटे छोटे इसका मतलब क्या है कि ये ओ अगर पोल है तो यहाँ से एल दूरी पर एल दूरी पर यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे एक छोटा सा लेंथ काट लेंगे और उस लेंथ की लंबाई कितनी है डीएल और इस डीएल एलिमेंट से पी पॉइंट पर लाइट पहुंचेगी उसको कंसिडर करेंगे और इसके आगे और पीछे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट के जो लेंथ होंगे उनसे पी पॉइंट पर लाइट पहुंचती रहेगी और इन लाइट के बीच में हम इंटरफेरेंस चेक करेंगे तो फनैनल के हाफ पीरियड जोन में और इसमें क्या डिफरेंस है उसमें सर्कुलर हाफ पीरियड जोन में डिवाइड किया गया था जबकि इसमें छोटे छोटे लेंथ के एलिमेंट ले गए लंबाइयों में काट दिया गया है उसको और एक एक लंबाई की वजह से पी पॉइंट पर एम, लाइट भेजी गई और सबकी वजह से जो लाइट डाली गई उन सबको एड करके उनका इंटरफेरेंस करा के फाइनल इंटरस निकाल ली गई तो हमारे पास क्या है यहाँ पर अफ्रेन ने आजमशन ये बोला था कि ये जो डीएल है इस डीएल को अगर हम जितना ज्यादा बड़ा लेंगे पी पॉइंट पर उस एलिमेंट की वजह से उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा नेचुरल सी बात है जाहिर सी बात है अगर इस पी इस डीएल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो लाइट पहुंच रही है उसका जो डिस्टरबेंस है उस डिस्टरबेंस को अगर हम डीई से रिप्रेजेंट करें डिस्टरबेंस क्या होता है ये आप इंटरफेरेंस वाले लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा वहां मैंने बताया है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड डिस्टर्बेंस सो so, हमारे पास ये लिखते हैं ना एस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा ये आपका एम्पलीट्यूड होता है और ये आपका डिस्टर्बेंस जिसको हिंदी में विक्षोभ कहते हैं सो पी पॉइंट पर जो डिस्टर्बेंस हमें मिल रहा है वो इस डीएल के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होना चाहिए फ्रेनल के हिसाब से क्योंकि ओब्वियसली अगर आप डीएल को बढ़ा दोगे तो ज्यादा लाइट आपने ज्यादा लंबा एलिमेंट ले लिया है उसमें ज्यादा लाइट होगी पी पॉइंट पर ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा सो so, इस तरह से बराबर होना चाहिए एक चीज तो ये है तो फ्रेनल ने क्या कंसिडर किया कि जो डिस्टर्बेंस है पी पॉइंट पर डीएल की वजह से सपोज पे तो हमने एक्स लिया है ने बोला कि मान लो उसको मैं नाम देता डी ओके okay? और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड मेरे फिलहाल कन्वीनियंस के लिए आसान हो जाए मेरी कैलकुलेशन मैं उसका एम्पलीट्यूड क्या मान के चल रहा हूँ वन तो इस एम्पलीट्यूड की जगह आप क्या लेंगे वन और बाकी आपके पास क्या है साइन तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ठीक है ओमेगा एक्स अच्छा सॉरी मुझे यहाँ y लेना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स आता है तो यहाँ पे एक्स नहीं आता है क्योंकि ये जो होती है वो प्रोपिगेशन डायरेक्शन होती है सो so, फिलहाल डिस्टर्बेंस को आप वाई लेके चल लीजिए क्योंकि x आपने अंदर ले लिया है यहाँ पे है ना के एक्स ले लिया है तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ओमेगा अच्छा के के साथ आपके पास आ रहा है एक्स राइट सो ये जो ओमेगा ये रिप्रेजेंट क्या करता है आपका जो ओमेगा टी है वो भी आपका फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट

यहाँ पर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं डीएल एलिमेंट आपने कितना लिया है यहां पर लिया है और हमने देखा कि यहां से लेकर यहां तक आने में जो फेस डिफरेंस आया है सॉरी जो पाथ डिफरेंस आया है वो कितना था डेल्टा था इसका मतलब अगर ये दूरी बी है तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए बी प्लस डेल्टा तभी तो आपका एम पी माइनस ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी प्लस डेल्टा माइनस बी और बी से बी कैंसिल आउट के डेल्टा और जो कि ऊपर हमें सेम रिजल्ट मिला है इसका मतलब जो डीएल है वहां से जो लाइट शुरू हुई है उसने पी तक पहुंचने में कितनी दूरी तय कर ली बी प्लस डेल्टा तो एक्स की जगह यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल आती है उस एक्स की जगह कितना आ जाएगा बी प्लस डेल्टा आ जाएगा आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है और साथ में हम इसको डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे डीएल से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि फ्रेनल ने बोला था कि जो डीई है वो डीएल के प्रोपोर्शनल होगा जितना ज्यादा आप ये लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे उतना ज्यादा डिस्टरबेंस होगा सो so ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आना चाहिए डीएल के साथ में सॉरी डीई मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डीएल इसलिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे डीएल लगाया इन जनरल ये फॉर्मूला नहीं आता है बट जस्ट बिकॉज फ्रेनल ने ये कंसिडर किया है तो हमारे पास क्या लेके चल रहे हैं ये फ्रेनल की प्योर अजम्पन है पर रिजल्ट से ही आता है यानी वेरीफाई

माइनस के बी को अलग रख लो और माइनस का के डेल्टा इसको अलग रख लो और DL. Now, B, ये आ जाएगा डीएल नाउ साइन ए माइनस बी ये ए है कौन सा है ये पूरा ए मान लो और ये पूरा बी मान लो तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी तो लगाइए वो फॉर्मूला तो साइन मैं भी ए और बी ही चलो लिख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ओके ये हमारे पास आ जाएगा अब इसमें हम क्या करेंगे ओमेगा टी माइनस के बी को एक बार बाहर ले लीजिए अल्टेल यू वाई ओमेगा टी माइनस के बी और इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस के डेल्टा डी एल सिमिलरली यहाँ से cos ओमेगा t minus k भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन sin के डेल्टा dl नाउ रिमेंबर वन थिंग मैंने इंटीग्रेशन बाहर क्यों लिया है क्योंकि आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है l के रिस्पेक्ट में हो रहा है आपके ओमेगा t और k और b में l नहीं है लेकिन आपका डेल्टा में l है क्योंकि डेल्टा का जो फार्मूला आपने निकाला था वो ये यह, यहाँ पर है हमारे पास ओके okay, डेल्टा में हमारे पास यहाँ पे uh, l कैसे आएगा जस्ट अ मिनट ये देखो ऐसा आपने यहाँ लिया था ये आपके पास ए था और ये भी आपके पास ए लेंथ थी ठीक है और ये आपके पास थीटा था और ये आर्क लेंथ एल है तो आपके पास सर्कल का एक कंसेप्ट होता है आर्क लेंथ जो होती है वो रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल तो ए थीटा हो जाएगी तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आती है एल बाई ए तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर में हम पुट कर सकते हैं तो हो जाएगा ए ए प्लस बी अपॉन टू बी और ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग ए प्लस बी टाइम्स एल स्क्वायर अपॉन टू ए बी ये डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ रही है एंड एज यू कैन सी डेल्टा के अंदर एल आ रहा है इसलिए एल वाले टर्म को अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसमें डेल्टा अंदर रहेगा क्योंकि डेल्टा के अंदर एल आ रहा है बाकी में नहीं आ रहा है अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को हम लिख लेते हैं ई नॉट रिप्रेजेंट ये प्योर अजम्पन है माना है हमने मान लीजिए सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरह से मान लीजिए इस टर्म को इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद ई साइन साई साई को एंगल है ठीक है तो हमारे पास इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला क्या बनेगा ये बनेगा साइन ओमेगा माइनस के बी और ई e नॉट में बाहर ले, ले लेती हूँ और यह आ जाएगा कॉस साई माइनस ई नॉट टी माइनस के बी साइन साइन अगेन आप देख लीजिए माइनस बी का फॉर्मूला तो आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी ठीक है तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो साइन ए माइनस बी इस तरह से आपके पास आ रहा है इतंग? ओके आई होप क्लियर टू यू अब हम इसे क्या करेंगे ई नॉट साइन हाँ इसको रहने दीजिए तो ये आपके पास फाइनल पी पॉइंट पे जो वेव मतलब सारे पूरे वेव फ्रंट की वजह से इंडिविजुअल जो वेव जा रही है उन सब का इंटरफेरेंस होने के बाद फाइनली वहां पर जो एक वेव बन रही है ये उसका एक्सप्रेशन है ये रेजल्टेंट वेव आपके पास अगर ये रेजल्टेंट वेव है तो इसका मतलब इसी का एम्पलीट्यूड वहां पी पॉइंट का एम्पलीट्यूड होगा और इसी की इंटेंसिटी 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 पॉइंट की होगी होगी तो अगर amplitude इसका यहाँ पर है, तो intensity कितनी होगी? तो अगर एम्पलीट्यूड इसका पर है कितनी हम जानते हैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है और ई नोट स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकाल लेंगे आप यहां से और यहां से निकालेंगे कैसे यहां से आपको दो इक्वेशन मिल रही है दो इक्वेशन कैसे आपने ई नोट को साई किसको माना था इंटीग्रेशन कॉस के डेल्टा डीएल और ई नॉट साइन साइ किस को माना था इंटीग्रेशन साइन के डेल्टा डीएल तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो पहले इसको स्क्वायर करो तो कितना is is two, तो to to ये आप करके देखिएगा लेफ्ट में आपके e नोट स्क्वायर कॉमन आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वन हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड में वी विल गेट स्क्वायर cos k डेल्टा dl इसका स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डेल्टा डीएल सो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर e का एक्सप्रेशन ये आ रहा है सो आई जस्ट कॉपी दैट तो हमारे पास ये मिलेगा इंटीग्रेशन कॉस के डेल्टा डीएल का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ये देखिए ये हमारे पास इंटेंसिटी मिलेगी अब इस इंटेंसिटी में हम थोड़ा सा सॉल्व करना है तो लेट वेरिएबल चेंज करते हैं ठीक है वेरिएबल चेंज करते हैं मान लीजिए के डेल्टा जो है उसको हम नए वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे और वो नया वेरिएबल है पाई V square by two. ये प्योर है कहा से आया कैसा है कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए कई बार हम मानते हैं ना कई बार एक्स में कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होता है तो हम टी में उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रिप्लेसमेंट uh, uh, उसका कर देते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर के डेल्टा को पाई वी स्क्वायर बाई टू से रिप्लेस किया तो नया वेरिएबल कौन सा होगा यहाँ पे वेरिएबल है डेल्टा बिकॉज के आपका कॉन्स्टेंट होता है के होता है टू पाई बाईम जो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट है राइट हैंड साइड में आपका पाई और टू तो कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा अगर चेंज 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 करोगे तो सीधा सीधा क्या हो हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा आपका इन सिचुएशन यहाँ से आप एल की, की वैल्यू निकाल लिए सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ वी आर गेटिंग ए बी लेमडा अपॉन टी तो ये हमारा एल की जगह हम ये पुट कर देंगे और देखो अगर एल की जगह ये पुट कर दिया तो डीएल की जगह क्या पुट करना है इधर हो जाएगा डीएल इधर सिर्फ डीवी वेरिएबल है बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है तो बाकी सारी चीजों को एज इट इज रहने दीजिए ये हमारे पास आ जाएगा डीएल की जगह डीवी तो हमारा इंटीग्रेशन जो है उसमें इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी इंटेंसिटी हमारे पास थी क्या थी ये देखिए अब ये जो एल है डीएल की जगह ये यहाँ पे डीएल आपको रखना है और के डेल्टा की जगह ये राइट तो कॉस के डेल्टा की जगह k डेल्टा की जगह क्या रखोगे पाई बी स्क्वायर बाय और जो dl मिला है उस dl की जगह क्या रखना है अपन को dl की जगह ये रखना है सो so, हमें क्या मिल जाएगा कॉस के डेल्टा था इंटीग्रेशन कॉस के डेल्टा की जगह आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय टू ठीक है और dl की जगह आ जाएगा रूट ऑफ ए बी लेमडा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इन और यहाँ पे आपके पास dl की जगह आ जाएगा dv और इसका स्क्वायर हो जाएगा ठीक है प्लस सिमिलरली ये चीज सेम टू सेम किसके साथ हो जाएगी साइन के साथ हो जाएगी, साथ हो जाएगी. Uh, पूरा का पूरा आपके पास कॉमन आ रहा है इसलिए आई एम नॉट राइटिंग दैट अगेन इन दोनों में आपके पास इस टर्म का स्क्वायर कॉमन आ रहा है ये ए बी लेमडापोर्न टू ए प्लस बी है तो ये कॉमन आ जाएगा और इसका स्क्वायर होके बाहर आएगा इसलिए मैं इसका रूट हटा दे रही हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा अंदर आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन कॉस पाईवी स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी वी आ, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर प्लस और ये पूरा सॉरी मैंने स्क्वायर थोड़े से अलग से ले लिए हैं बट कोई टेंशन नहीं है आप समझ गए होंगे पाई वी स्क्वायर बाय टू और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वी और ये इसका स्क्वायर और ये लीजिए सो so ये आपके पास फाइनल इंटेंसिटी होगी अब इस फाइनल इंटेंसिटी में हमारे पास इंटीग्रेशन किस पे जा रहा है v पे जा रहा है तो हम लिमिट कहाँ से पुट कर देंगे जीरो से लेके v तक ठीक है और l के करस्पॉन्डिंग अगर होता तो जीरो से लेके l तक कर देते अब इस टर्म में ये वाला जो टर्म है सपोज हम इसे लिखते हैं आई जीरो से ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म अगर ए है और ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म बी है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आई नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो जाएगी इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा और इस इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में जो चीजें हमने सब्सिट्यूट की है वो क्या हो जाएगा आई नोट की वैल्यू हमारे पास है ए बी लेमडा अपॉन टी अब इंपॉर्टेंट जो ए और बी है वो होंगे हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ए वो हमारा है जीरो से लेके वी तक कॉस ऑफ पाईवी स्क्वायर बाई टू डी सिमिलरली जीरो से लेके वी साइन साइन पाई वी स्क्वायर बाई टू डी वी इसका स्क्वायर बाद में किया इसलिए मैं सिर्फ इतना ये जो ए एंड बी है इस ए और बी को ओनली इन दोनों को हम बोलते हैं फ्रेनेल के इंटीग्रेशन ठीक है दीज आर कॉल्ड फ्रेनल इंटीग्रेशन क्योंकि मेथड था फाइनल की समाकल विधि या फाइनल इंटीग्रेशन मेथड तो उसमें ये जो इंटीग्रेशन था हमारा इसलिए ए और बी को हम फाइनल के इंटीग्रेशन बोलते हैं अब देखो जाहिर सी बात है ए जो है वो किसका फंक्शन है वी का है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं ए वी इसी तरह से बी भी किसका फंक्शन है वी का और इसको अगर मान लीजिए एवी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से और बीवी को रिप्रेजेंट करें वाई से और ग्राफ प्लॉट किया जाए ग्राफ प्लॉट किया जाए वाई वर्सेज एक्स में यानी आपको क्या करना है वी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेनी है और वी की हर वैल्यू पे सबसे पहले आपको एक्स कैलकुलेट करना है क्योंकि एक्स क्या है ए है तो वी की जो भी वैल्यू रखोगे इसका कैलकुलेशन कुछ अलग आएगा इसका कैलकुलेशन कुछ अलग आएगा तो आपको ए और बी की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी और ए और बी को ही हम क्या कर रहे हैं अगर एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर दें सो so, करना क्या है v की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के अगर x और y की वैल्यू निकाली जाए तो इस कर्व के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे और जब उन पॉइंट्स को मिलाया जाए तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा X और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास ये आप बुक में और थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा ये देखिए इस तरह का ग्राफ मिलता है जो हमें ऊपर एक्सप्रेशन मिले हैं उसमें वी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखे और ये जो अंदर पॉइंट है यहाँ पे सपोज इसे हम कह रहे हैं जेड से और इसके अंदर जो पॉइंट है उसे मैं कह रही हूँ जेड प्राइम से आई टेल यू वाई और ये आपका पॉइंट है ओ ठीक है और यहाँ पे कोई रेंडम पॉइंट ले लेते हैं मान लीजिए एन उसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है एक्स वाई है सो so, ये आपके पास क्योंकि जो ग्राफ है वो स्पाइरल जैसा बन रहा है स्पाइरल जैसा बन रहा है इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं कॉनोज स्पाइरल बोलते हैं और इसी ग्राफ की शेप के नाम पर इस मेथड का नाम भी हमने इनिशियली देखा था और वो आपका क्या है कॉनोज स्पाइरल तो बेसिकली ये जो ग्राफ लास्ट में बनता है इसकी वजह से इस मेथड का नाम ये पड़ा अब इसके हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखने हैं ओके प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्पाइरल इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी देखिए क्या है फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो आपने जो वेव फ्रंट लिया है उसमें आपका पोल था ओ और ऊपर उसका हाफ पार्ट था वेव फ्रंट का और नीचे हाफ पार्ट था तो जो ग्राफ है उसमें आपके पास ये जो पॉजिटिव वाला आधा स्पाइरल है आधा स्पायर मतलब ओ से स्टार्ट होके देखिए ओ से स्टार्ट होके आपका एक मिनट हाँ ये देखिए ओ से स्टार्ट होके और ये अपर हाफ इस स्पाइरल का जो अपर हाफ है वो आपका वेव फ्रंट के आधे हिस्से से रिलेटेड पोर्शन है सिमिलरली जो नीचे वाला हाफ है वो आपके वे फ्रंट के निचले यानी कि ये जो ओ से लेके जेड तक का जेड डॉट का मतलब है कि ये स्पाइरल घूमता 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 लास्ट कहां तक जाएगा जेड तक जाएगा और इसी तरह से ये लास्ट घूमता घूमता डॉट कहां तक पहुंचेगा जेड प्राइम तक पहुंचेगा तो जो ओ से लेके जेड तक का हिस्सा है राइट right? जो है वो ओ डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ओ जेड प्राइम जो है वो ओ डब्ल्यू प्राइम को रिप्रेजेंट करेगा दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए तो आपका जो ओ डब्ल्यू है वो ग्राफ में किसको रिप्रेजेंट करेगा ओ जेड को और ओ डब्ल्यू प्राइम जो है वो कौन से हिस्से के करस्पॉन्डिंग है ओ जेड प्राइम तक ठीक है ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि अगर आपका वी इज इक्वल टू जीरो है तो आपका एल भी जीरो हो जाएगा वो ऊपर आप एल और बी में रिलेशन देख लीजिएगा और उस सिचुएशन में आपको ए भी जीरो मिल रहा है और बी भी जीरो मिल रहा है इसका मतलब जो पोल है आपका पोल यहाँ पे ओ पे है और इस पोल के लिए क्योंकि आपने यहाँ से एल डिस्टेंस पे DL एलिमेंट लिया था तो अगर मैं इस एल को जीरो कर दू करेक्ट अगर मैं इस एल को जीरो कर दूँ तो आपका ये डीएल एलिमेंट जो है ये खिसकते खिसकते कहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट ओ पर ही आ जाएगा और ओ पॉइंट पे जब आप एलिमेंट लेंगे यहाँ पर जो आप डीएल ले रहे हैं उसकी खुद से ही डिस्टेंस कितनी है जीरो ही है इसका मतलब पोल के ऊपर हो इस वक्त तो जब आप एल जीरो होता है तो ग्राफ में भी हमें क्या मिलता है ए जीरो है और बी जीरो ए जीरो होने का मतलब हमारा एक्स जीरो होना और बी जीरो होने का मतलब हमारा वाई जीरो होना तो ग्राफ में भी हम कहाँ पे हैं इस ग्राफ के ओरिजिन पे हैं तो कोनो स्पाइरल का जो हमारे पास सेंटर पॉइंट पॉइंट होता होता है, होता है, मिड वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो वेव फ्रंट के पोल को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब जब वी जीरो है आपका तो जो पोल है वेव फ्रंट का वही हमारे ग्राफ का ओरिजिन भी होगा दोनों चीजें सेम है ओके दिस इज प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास ये कहती है ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखें ए और बी के एक्सप्रेशन में तो देखिए अगर मैं इस वी को माइनस वी से रिप्लेस करूं या यहाँ पे माइनस वी से रिप्लेस करू तो यहाँ पे तो वी स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर भी वी स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ पे जो डी वी है और यहाँ पे जो डी वी है वो कितना हो जाएगा डी ऑफ माइनस वी हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू माइनस डी वी तो इसमें भी एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और इसमें भी नेगेटिव साइन इसका मतलब ए ऑफ माइनस वी हमें क्या मिलेगा माइनस कोई पॉइंट सपोज यहाँ पे है राइट right? यहाँ पे है तो उसके लिए एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो आपके पास एक्स और वाई पॉजिटिव है तो वी की वैल्यू जब आप अपोजिट साइन की ले लेते हो तो ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ नहीं जाएगा यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहां आएगा y क्योंकि यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है और y भी तो आपका फर्स्ट क्वार्डन में और थर्ड क्वार्डन में ही ग्राफ बनेगा सेकेंड और फोर्थ में नहीं बनेगा तो यहाँ पे आपका इस तरह से स्पाइरल इसके अंदर चला जाता है ओके थर्ड पॉइंट आपका ये कहता है कि कोर्नो स्पाइरल पर अगर कोई छोटा सा एलिमेंट आप लेते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी तो कोर्नो स्पाइरल के अंदर मैं एक मिनट अपर पोर्शन ही बना देती हूँ ठीक है यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट लेना है हमें तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एलिमेंट लीजिए सपोज उसकी लेंथ कितनी है डीएस तो ये डीएस कैसे दी जाएगी अब आप इस डीएस को एक बार मैं जूम करके बनाती हूँ ये मैंने डीएस बना लिया ठीक है तो जाहिर सी बात है यहां से एक सीधी लाइन डालेंगे और यहां से इस तरह से लाइन खींचते हैं तो ये जो डीएस है इसके लिए एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वर्टिकल लाइन बिकॉज आपका वाई डायरेक्शन में है इसलिए इसको डीवाई दी बोल दीजिए और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स डायरेक्शन में इसलिए इसको डीएक्स बोलिए तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर और एक्स और वाई हमारे पास क्या है ए है तो डी ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है अब आप ऊपर देखिए ए आपके पास क्या था ए आपके पास ये रहा ए आपके पास है कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस पाई स्क्वायर बाय टू का इंटीग्रेशन तो अगर मैं दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन करूं तो इधर कितना आ जाएगा हमारा डी ए और इधर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे और जो अंदर फंक्शन है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा सो so, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर करना है हमें जो डी ए लेना उसका भी स्क्वायर करना है तो वैसे तो हमें कॉस पाई स्क्वायर बाय टू था लेकिन इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया राइट और यहां पे आ जाएगा डीवी का स्क्वायर प्लस सिमिलरली आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई टू और ये आ जाएगा डी का स्क्वायर दोनों में से हमारे पास डीवी का स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा अंदर बचेगा इज तो ये आपके पास ds dv. इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है अच्छा ये तो आपके पास एलिमेंट है अगर मैं इस एलिमेंट की जो डीएस एलिमेंट लिया है सेंटर से यानी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पूछू तो, तो ये देखो हमारे पास का स्पाइरल का हाफ पोर्शन है ये मेरा ओ है यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट अभी लिया था तो आपको पूरी इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हो जाएगा और वो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी हो जाएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा वी आ जाएगा और वी हमें हमें पता है वी कितना था वी था एल रूट टू ए प्लस बी अपॉन ए बी लम्डा तो एस की जो वैल्यू है कौन स्पाइरल में कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वेव फ्रंट पे पता हो कि हमने एलिमेंट कहाँ पे लिया है तो एल पता होने से हमें एस भी पता चल सकता है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी ओके इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए अगर हम स्लोप लेना चाहें कोर्नो स्पायरल जो है उसमें अगर हम स्लोप लेने चाहें किसी पॉइंट का तो हम जानते हैं स्लोप जो होता है वो कितना होता है वाई बाई डी एक्स तो सपोज आपके पास वहाँ पे एक टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं और उसका एंगल आपके पास अल्फा बनता है सो टेन अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगी इसे हम क्या लिख सकते हैं डी से ऊपर भी डिवाइड कर दो और डीवी से नीचे भी डिवाइड कर दो तो हमारे पास डीवाई बाई डी वी क्या होगा हमें पता है वाई कितना था आपके पास इंटीग्रेशन साइन पाई वी स्क्वायर बाई टू और ये क्या था डी तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई दो साइड में डिफरेंशिएशन करके वी को नीचे लेके आऊं तो मुझे क्या मिलेगा ओनली साइन स्क्वायर वाला पार्ट मिलेगा क्योंकि देखो दोनों अगर इधर मैं डी करूं तो मुझे ये हटा देना है राइट इंटीग्रेशन हट जाएगा और डीवी आपका नीचे आ जाएगा तो डीवाई बाई डी वी आपका कितना मिल रहा है साइन ऑफ

अल्फा अगर बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो टेन अल्फा था वो आपने कितना लिया था वाई बाई डी एक्स और अगर अल्फा बहुत छोटा है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा अल्फा तो इस अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं वाई बाई डी एक्स और ये इधर किसके इक्वल आ रहा है पाई स्क्वायर बाई टू दोनों साइड में अगर डिफ्रेंसिएशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में तो इधर कितना आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इधर पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना हो जाएगा टू डी वी अपॉन डी एक्स टू से टू कैंसिल आउट हो जा रहा है कितना आ रहा है पाई वी dv अपॉन डीएक्स ये आपके पास आ जा रहा है डी टू वाई अपॉन डीएक्सक्सर क्या बताता है वक्रता के बारे में बताता है कर्वेचर अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कोई शे, कोई जो कर्व होता है उसका कर्वेचर कितना ज्यादा होगा या कम होगा ये इस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है अगर आप यहाँ पर देखें कि वी जीरो है तो आपके पास ये क्वांटिटी भी कितनी आ जाएगी जीरो इसका ये मतलब है कि जो ओरिजिन होगा वहां पर आपका ये नती परिवर्तन बिंदु होगा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन होगा पॉइंट ऑफ आपका इन्फ्लेक्शन होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जिस पर आपका ये डी टू वाइड अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो आए और उस पॉइंट पर एक्चुअल में क्या होता है कि आपका कर्वेचर चेंज होता है तो हमें दिख रहा है साफ साफ ये जो कॉर्नो स्पायरल है ये यहाँ पे आ रहा है और इससे नीचे की डायरेक्शन में ये बिल्कुल रिवर्स हो जा रहा है सो so इसका मतलब यहाँ पे कोई हमारे पास इसका वो नहीं है लेकिन इससे आगे जाने पर भी स्लोप बढ़ रहा है और इधर आने पर भी आपके पास इसका स्लोप बढ़ रहा है तो ये आपके पास क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ठीक है यहाँ पर उसका स्लोप थोड़ा सा चेंज हो रहा है फिफ्थ पॉइंट आपके पास है कि जब वी इंफिनिटी ले लिया जाए सो so, जो इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से लेकर हुई थी अब वो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगी और जीरो से इंफिनिटी में अगर कॉस पाई पाई स्क्वायर बाय टू की वैल्यू निकालें तो ये वन बाई टू आती है और सिमिलरली साइन ऑफ दिस टर्म भी वन बाई टू आता है अगर जीरो से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन किया जाए तो इसका ये मतलब है कि उस कंडीशन में जो एक्स वाई कोर्डिनेट है वो आपको क्या मिल रहे हैं वन बाई टू वन बाई टू सो so, ग्राफ में इसका ये मतलब है कि v की वैल्यू बढ़ाते 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 अगर आप मान लीजिए वो ले भी लेते हैं v की वैल्यू अगर आप बढ़ाते बढ़ाते पे भी चले जाते हैं तो भी आपको ये ये जो जो कर्व है वो वो पे पे नहीं जाएगा वो पे तो ये जो z पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था और ये जो z प्राइम हमने लिया था इस z के कोऑर्डिनेट कितने हैं वन बाई टू वन बाई टू और इस z प्राइम के कोऑर्डिनेट कितने हैं माइनस टू माइनस टू तो इसका ये मतलब है कि अगर हम हमारे पास इस तरह से ये दो पॉइंट्स मिलते हैं ठीक है ये फिफ्थ पॉइंट पे इतना ही है इसके आगे का सिक्स पॉइंट की प्रॉपर्टी में पॉइंट आपके पास ये बोलता है कि रेजलटेंट एम्पलीट्यूड और कॉर्नो स्पाइरल में क्या रिलेशन है तो देखो अगर आप यहाँ पे एन पॉइंट लेते हैं और ये ओ है तो सबसे पहले मैं ओ की लेंथ आपको पूछू तो ओ कितना हो जाएगा वही आ, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लो इसके हैं एक्स वाई और इसके हैं जीरो जीरो तो दोनों के बीच की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स और वाई आपका क्या था करेक्ट ये हमारे पास मिल जाएगा ओवन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास और जाहिर सी बात है कि जो ओ एन है वो अः कोर्नो स्पाइरल के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस बताता है और ये जो डिस्टेंस होती है वो वेव फ्रंट की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रपोज मतलब उसी को रिप्रेजेंट करती है ऐसी सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर अगर ओवन मिला है इसके अलावा हम जानते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वो किसके इक्वल होगा इंटेंसिटी के रूट के इक्वल होगा और इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था कितना आया था आई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमने फॉर्मूला ऊपर कैलकुलेट किया प्रूव किया है तो इसमें आई नॉट को बाहर ले लीजिए और आपके पास आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स को बोल रहे हैं ओ एन को बोल रहे हैं तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो होगा इंटेंसिटी एंड रात साथ में आ जाएगा आपके पास सॉरी अहा पे आपके पास ये आई आएगा इसका स्क्वायर नहीं था इसलिए ये रूट होगा तो रूट आई नॉट और साथ में आपके पास कितना जाएगा? आ जाएगा ये ओ एन आ जाएगा ठीक है ये ओवन आपके पास किसके करस्पोंडिंग है कौनू स्पाइरल के ग्राफ के करस्पॉन्डिंग अगर हम इसे

कंप्लीट हाफ वे फ्रंट की वजह से कितना एम्पलीट्यूड होगा तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ आई नॉट और लेंथ कितनी हो जाएगी ओ जेड अब आप जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए कितने कितने हैं हैं और ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट जीरो तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है मैथामेटिक्स है प्योर कितनी हो जाएगी वन बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वन बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर इसी तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सॉल्व करके देखेंगे तो वी विल गेट आई नॉट बाई टू तो यह आपके पास क्या आएगा आधे वेट की वजह से एम्पलीट्यूड अगर फुल वेट की वजह से निकालें राइट टोटल वेव फ्रंट आपका जो है उसकी वजह से अगर हम एम्पलीट्यूड निकालें तो हमें जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल लेनी पड़ेगी रूट ऑफ आई नॉट और डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी पूरे कॉर्नो स्पायरल की और पूरे कॉर्नो स्पायरल कहाँ से कहां तक जा रहा है आपके पास ये देखिए z प्राइम से शुरू होके और z तक जा रहा है इसके कोऑर्डिनेट वन बाई टू वन बाई टू है इसके माइनस वन बाई टू वन माइनस वन बाई टू है तो ये डिस्टेंस अगर अपन लेके चलते हैं तो ये कितनी आ जाएगी? आपके पास रूट ऑफ वन बाई टू प्लस वन बाई टू का स्क्वायर क्योंकि माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू किया है मैंने यहाँ पे और ये आ जाएगा आपके पास ये देखिए तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है टू आई नोट ठीक है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आएगा इसका ये मतलब है कि जो इंटेंसिटी है फुल वेव फ्रंट की इंटेंसिटी अगर देखें तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है e not square, right? तो फुल वेव की इंटेंसिटी जो है, है वो हमें मिल रही टू आई नॉट और हाफ की जो इंटेंसिटी है वो हमें मिल रही है आई नॉट बाई टू राइट वो हमें कितनी मिल रही है आई नॉट बाई टू इसका ये मतलब है कि जो फुल की वजह से इंटेंसिटी आती है वो आपके पास या जो हाफ की वजह से इंटेंसिटी आती है वो आपके पास फुल वेव की इंटेंसिटी की वन बाय फोर्थ होती है और ये चीज हमने फ्रेनल के नॉर्मल जोन uh, से भी रिप्रेजेंट करी थी क्योंकि आपको याद हो तो कि फ्रेनल के हाफ पीरियड जोन से हमें क्या मिलता था कि अगर आप पूरा लेते हैं तो uh, हमारे पास पूरा जो वेव आता है उसका जो फाइनल पी पॉइंट पे हमें रिजल्ट जाता है वो कितना उसकी इंटेंसिटी कितनी आती है ही आती है क्योंकि जो एम्पलीट्यूड मिलता है फुल वेव का वो कितना मिला था ई नॉट बाई टू मिला था तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी ई नॉट स्क्वायर बाय फोर हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी आपके पास वन बाय हो जाएगी तो फ्रेनल से भी हमें ये रिजल्ट मिला था और यहाँ से भी हमें यही रिजल्ट मिल रहा है कि जो uh, कंप्लीट ट होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी फुल की वन बाय फोर हो जाएगी हमारे पास ओके यू नॉट वन बाय टू आएगा सॉरी तो इस तरह से हमारे पास ये कॉर्नो स्पाइरल का जो था वो पूरा कंसेप्ट था थैंक यू सो मच एवरी वन